हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीट डेटा इन डेटाबेस इन विंडोज एप्लीकेशन यूजिंग C#.NET। तो फ्रेंड, हमने अभी इंसर्शन किया था, इंसर्शन के पास डेटा अपडेट किया था, डिस्प्ले किया डेटा। अब डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मुझे डेटाबेस का डेटा डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? चलिए फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, हमने लास्ट टाइम इंसर्ट किया डेटा, अपडेट किया, तो हमने डेटा शो किया था, डिस्प्ले किया था ग्रिड व्यू के अंदर। तो ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू की रो पे क्लिक करने पर डेटा डिस्प्ले हो रहा था टेक्स्ट बॉक्सेस पे। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा को डिलीट किया जाए, तो डेटा डिलीट करने के लिए पहले मैं रीड करवाना चाहता हूँ। तो वही प्रोसेस होगा, ग्रिड व्यू की रो पे क्लिक करना पड़ेगा, डेटा को डिस्प्ले करेंगे, डेटा को डिस्प्ले करवा के डिलीट करवाएंगे। ठीक है मैम, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सेलेक्ट ग्रिड व्यू रो टू डिलीट द डेटा। हमें ग्रिड व्यू की किसी रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस रो को डिलीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऐड डिलीट बटन एंड ऐड डिलीट कोड बिहाइंड डिलीट बटन। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिलीट बटन ऐड करेंगे फॉर्म में। नेक्स्ट है डिसेबल रीड ओनली स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स। इस केस में भी मुझे स्टूडेंट आईडी को रीड ओनली करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि जैसे ही रो पे क्लिक करें डेटा डिस्प्ले हो जाए और डेटा डिस्प्ले करने के बाद डेटा सेलेक्ट हो जाए, डेटा डिस्प्ले होने के बाद कोई यूज़र इस स्टूडेंट आईडी को चेंज कर दे और डिलीट कर दे डेटा। तो यहाँ पर रीड ऑनली करेंगे। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की विल डिलीट द रिकॉर्ड, और स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये फॉर्म है आपके सामने, इसमें इंसर्ट बटन है, अपडेट बटन है, तो एक बटन और लगा लेते हैं। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको सामने यहाँ अपडेट डिलीट का बटन लगा देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, इसका नेम है बटन वन, तो इसको कर देंगे btn डिलीट, btn डिलीट। उसके बाद इस पर टेक्स्ट है अपडेट, इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी डेफिनेशन बनानी है C# में, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। देखो फ्रेंड, डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो फ्रेंड जब ग्रिड व्यू में डेटा आएगा तो डेटा में रो पे क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिक, ये काम हम पहले कर चुके हैं एडिट वाले कोड में जब हमने डेटा अपडेट किया था। तो फ्रेंड ये बना हुआ है, देखिए जब यूज़र क्लिक करेगा किसी ग्रिड व्यू की रो पे तो डेटा ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ये काम हम कर चुके हैं। और जो स्टूडेंट आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, डिलीट वाला कोड लिखना है, हमें डेटा डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमें डेटा डिलीट करने के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी। हमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी की ज़रूरत है क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी के बेस पर डेटा डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स से, केवल स्टूडेंट आईडी की जरूरत है और किसी टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं हमें। अब कोड लिखेंगे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू। फ्रेंड बार बार हमें वही लिखना है कोड, एक ही कोड होता है, edu.net हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड, edu.net। कनेक्शन ओपन होगा एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, कनेक्शन पास किया, कमांड लिखेंगे डिलीट, कमांड क्या होगी फ्रेंड, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल सिंगल कोट डबल प्लस साइन स्टूडेंट आईडी। सिर्फ इतनी सी क्वेरी आएगी, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट आई डी, स्टूडेंट आई डी के बेस पर डिलीट करेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। रिजल्ट अगर वहां से रिटर्न हुआ है तो एक मैसेज जाएगा फ्रेंड
message box dot show ठीक है फ्रेंड। एल्स एनी प्रॉब्लम प्लीज चेक। एनी प्रॉब्लम प्लीज चेक ठीक है। और हम कॉल करेंगे क्लियर टेक्स्ट बॉक्सेस को और फिर से ग्रिड व्यू को लोड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए क्लियर टेक्स्ट बॉक्स और ग्रिड व्यू को फिर से लोड करने के लिए डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन डेटा ठीक है फ्रेंड। मेथड कॉल करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड हमने डेटा को डिलीट किया। ओके चेक कर लेते हैं, इसको रन करते हैं, बिल्ड करते हैं कोड को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, बिल्ड सक्सीड, कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं फ्रेंड, चेक करते हैं। स्टूडेंट आईडी के बेस पे हम कोड को रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि फिफ्थ नंबर वाली रो का डेटा डिलीट हो जाए, फिफ्थ नंबर। तो उस पर क्लिक करेंगे, पहले क्लिक करने किया, डेटा शो हो रहा है, अच्छे से रीड कीजिए कि डेटा शो हो रहा है। अब इस पर क्लिक कीजिए डिलीट, डेटा डिलीट सक्सेसफुली, मैसेज आ गया है। देखिए फ्रेंड फिफ्थ नंबर की रो डिलीट हो गई है। फोर्थ करना है, फोर्थ नंबर, तो फोर्थ भी हो जाएगा, ग्रेडियो रोड भी हो रहा है ठीक है फ्रेंड, और टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जा रहे हैं ठीक है फ्रेंड। अगर आप एक मैसेज देना चाहते हैं, सपोज मैसेज में देना चाहते हैं डेटा रिलीज सक्सेसफुल्ली ऑफ स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, डबल कोड में दे दीजिए, स्टूडेंट आईडी। अगर आप बताना चाहते हैं कौन सी स्टूडेंट आईडी का डेटा डिलीट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया डेटा डिलीट सक्सेसफुली ऑफ स्टूडेंट आईडी दिस। तो आप भी कर सकते हैं फ्रेंड, तो मैसेज इस तरह से आएगा आपके पास। तो फ्रेंड थर्ड नंबर का डेटा डिलीट करना चाहता हूँ सपोज मैं, तो थर्ड पे क्लिक किया, डेटा शो हो गया, स्टूडेंट आईडी है STUD 103, तो डिलीट करेंगे। देखिए फ्रेंड डेटा डिलीट सक्सेसफुली ऑफ स्टूडेंट आईडी STUD 103 मैसेज में शो हो रहा है ठीक है फ्रेंड। आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने विंडोज एप्लीकेशन में डेटा इंसर्ट किया, अपडेट किया और डिलीट किया ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।